हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे जहाँ पर भी होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ओपन आई मेकअप ऑन हैंड। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जेल आईलाइनर, एंड इससे पहले हम आईब्रो ड्रॉ कर लेंगे। जैसा कि मैं हर वीडियो में ड्रॉ करती हूँ, उसी तरह से हम आईब्रो ड्रॉ करेंगे। पहले हम आउटलाइनिंग कर लेंगे, देन उसके बाद फिल करेंगे आईब्रोज़ को। सेम टेक्निक से हम सेकेंड आईब्रो भी ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ लिक्विड आईलाइनर। आईब्रो के हेयर क्रिएट करने के लिए बैक से स्टार्ट करेंगे हम। जिगजैग मोशन में हम आईब्रो के हेयर क्रिएट करेंगे, एंड फ्रंट से हम लाइट रखेंगे, बैक से हम थिक रखेंगे। जैसे हमारे नेचुरल आईब्रो होते हैं, उसी तरह से हम आईब्रो क्रिएट करेंगे। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, उसी तरह से हम आईब्रोज क्रिएट कर लेंगे। सेम टेक्निक से हम सेकेंड आईब्रो पर वर्क करेंगे। आईब्रो को शार्प लुक देके हम कंसीलर की हेल्प से जेल आईलाइनर से पहले हम क्रीज ड्रॉ कर लेंगे, जिससे कि हमें ओपन आई बनाने में आसानी रहे। अभी मैं ओपन आई बना रही हूँ, जेल आईलाइनर में यूज़ कर। पहले हम लाइट हैंड से ओपन आई की शेप क्रिएट करेंगे, इस तरह से जैसा मैं वीडियो में बना रही हूँ, सेम इसी तरह से आपको बनानी है। इससे आपकी परफेक्ट ओपन आई बनेगी। देन उसके बाद हम इसे डार्क कर लेंगे। अभी हम आईबॉल क्रिएट करेंगे, प्रॉपर राउंड नहीं रखेंगे। जब भी हम आई ओपन करते हैं तो प्रॉपर आईबॉल हमारा शो नहीं होता है, हाफ ही शो होता है। और जब हम ज़्यादा आईज़ ओपन करते हैं, तभी प्रॉपर हमारा आईबॉल राउंड में शो होता है। सो जैसे हमारी नेचुरल आई होती है, उसी तरह से हम बनाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ वाइट जेल आईलाइनर, एंड इससे हम आई को फिल कर लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ लाइट ब्लू शेड, एंड इसे हम आईबॉल पर अप्लाई करेंगे। आईबॉल के एजेस को अभी हम डार्क कर लेंगे, जिससे कि ज़्यादा पॉप आउट होंगी हमारी आईज़। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लैक जेल आईलाइनर, एंड इसे हम आईबॉल के सेंटर में अप्लाई करेंगे, जिससे कि हमारी जो आईबॉल है वो पॉप आउट होंगी और नेचुरल स्पॉटलाइट क्रिएट होंगी।
अभी मैं यूज़ कर रही हूँ व्हाइट जेल आई लाइनर आईबॉल में स्पॉटलाइट क्रिएट करने के लिए। अभी हम आई के इनर कॉर्नर एंड आउटर कॉर्नर पर रेड शेड अप्लाई करेंगे एंड अच्छे से उसे स्मज कर लेंगे। इतने में ही आप देख सकते हैं कि हमारी आई कितनी अच्छी लग रही है। अभी और वर्क होगा इस पर और अच्छी लगेगी हमारी आईज। अभी हमने सेकंड क्लोज आई क्रिएट करने हैं, उसके लिए मैं ब्लैक आई लाइनर से उस गाइडलाइन ली है एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर क्रीज लाइन की गाइडलाइन ले ली है, जिससे कि हमें कलर अप्लाई करने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ डार्क ब्राउन शेड एंड इसे हम क्रीज एरिया में अप्लाई करके अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। सेम इसी तरह से हम सेकेंड आई पर वर्क करेंगे। ट्रांजिशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लाइट ब्राउन शेड। अब हम फुल आईलेट पर ब्लैक कलर अप्लाई कर लेंगे एंड उसे अच्छे से ब्लेंड भी करेंगे। लाइट ब्राउन शेड लेके एजेस को ब्लेंड कर लेंगे और दोनों कलर को अच्छे से आपस में मिक्स करेंगे। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ डार्क पर्पल शेड एंड इसे हम फुल आईलेट पर अप्लाई करेंगे, जहाँ पर हमने ब्लैक शेड अप्लाई किया था। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ प्रेस्ड पिगमेंट एंड इसे हम फुल आईलेट पर अप्लाई करेंगे। लाइट शेड से इनर कॉर्नर को हाईलाइट करेंगे। अभी हम आईलाइनर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लैक जेल आईलाइनर, अगर आप चाहें तो लिक्विड आईलाइनर भी लगा सकते हैं। विंग्ड आईलाइनर अप्लाई किया है मैंने, सेम इसी तरह से हम सेकंड आई पर भी विंग्ड आईलाइनर अप्लाई करेंगे। अभी मैं यहाँ पर सेम वाइट जेल आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ एंड इसे मैं वाटर लाइन पर लोअर वाटर लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ, जिससे कि हमारी आईज़ बहुत अच्छी शो होंगी। अब हम लोअर वाटर लाइन पर ब्लैक आईलाइनर अप्लाई कर लेंगे। लाइट ब्राउन शेड से काजल को हम अच्छे से स्मज कर लेंगे।
सो गाइस आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी हमारी आई क्रिएट हुई है। अभी हमें नए आई लैशेज क्रिएट करनी है, उससे हमारी आई लैशेज से जो हमारी आई है वो और भी अच्छी लगेंगी। लिक्विड आई लाइनर मैं यूज़ कर रही हूँ आई लैशेज क्रिएट करने के लिए। पहले मैं यहाँ पर लोअर लैश क्रिएट कर रही हूँ। वन बाय वन हम जिगजैग मोशन में लैशेस क्रिएट करेंगे। बैक से हम थिक रखेंगे लैशेस एंड इनर कॉर्नर से लाइट रखेंगे। एंड जो हमारी लोअर लैशेस होती हैं वो ज़्यादा थिक नहीं होती, इसलिए हमें प्रेशर लाइट ही रखना है। उसके बाद मैं अपर लैशेस क्रिएट कर रही हूँ। सेम इसी तरह से हम अपर लैशेस भी क्रिएट करेंगे। बैक से हम थिक रखेंगे एंड इनर कॉर्नर से लाइट रखेंगे। सेम टेक्निक से हम सेकंड आई पर भी लैशेस क्रिएट करेंगे। टियर डक्ट को लाइट शेड से हाईलाइट कर लेंगे। ब्रॉन्जर से हम नोज़ की शेप देंगे। ज़रा से ही मैं यहाँ पे शेप दे रही हूँ, प्रॉपर नोज़ क्रिएट नहीं कर रही हूँ। एंड देन मैंने यहाँ पर हाइलाइटर यूज़ किया है। लास्ट में बिंदी लगाकर इस आई लुक को कंप्लीट किया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।